अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस सेशन इज़ मेनली इन उर्दू लैंग्वेज, बट यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज। सो आई विल कंटिन्यू फर्दर सेशन इन उर्दू लैंग्वेज। जी, अभी हम लास्ट टाइम हम CSS को शुरू किया था, तो मेरे साथ अहमद भाई हैं, तो हम मिलके ये सेशन करेंगे। तो इसमें जैसे कि ये जो फर्स्ट पेज था, ये लास्ट टाइम मैंने कवर किया था। असल में मैं लास्ट टाइम ये पूरा करना नहीं चाह रहा था, कि वो मकसद प्लानिंग यही थी कि मंडे से रेगुलर सेशंस रिकॉर्ड करूं डेली बेसिस पे, जो वर्किंग डेज हैं। तो इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल का CSS का बताया था, और वरना ये है कि बाकी आप HTML के जो पहले वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, प्लेलिस्ट YouTube पे पड़ी है, उसको आप देखें। कोई भी क्यूरी है तो आप सवाल पूछें। तो इसमें जैसे हमने बताया था कि HTML में हम जो वेबसाइट का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो हम खड़ा करते हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, तो आप दीवारें बनाते हैं, लेंटर डालते हैं, तो वो काम आप समझे HTML करती है। और फिर आगे आप पेंट वगैरह करते हैं, वो आपका काम CSS करती है। तो CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट एब्रीवेशन है, और इसका मकसद यही है कि आप कि जो HTML में आपने कोड लिखा है, जो आउटपुट आ रही है, उसके ऊपर स्टाइल्स ब्यूटीफाई उसको करना, कलर्स देने, फॉन्ट चेंज करना, एनीथिंग डिज़ाइन रिलेटेड। तो इसको इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ी रीज़न भी थी। पहले जो आप कोड अगर देखें HTML के, तो उसमें ये होता था कि आपका डिज़ाइन की कोडिंग और HTML की कोडिंग, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों साथ ही होती थी। यानी आपका डिज़ाइन और आपका कोड मिक्स होता था। तो इसमें हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि आपकी जो आपने कोडिंग की है डिज़ाइन रिलेटेड, वो सेपरेट हो गई है, वो CSS के अंदर चली गई है, और आपका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो अलग है। तो उसमें अगर तो वो मिक्सअप हो, तो उसमें एक नुकसान ये भी था कि अगर आपके 10 पेजेस हैं और आपने चेंज करनी है, तो आपको 10 पेजेस में जाके चेंज करनी पड़ती थी। तो CSS अलग होने से ये हो गया कि आप एक जगह पे उसकी फ़ाइल, एक्सटर्नल CSS आप यूज़ करें, बेस्ट केस ये है, तो उस एक फ़ाइल में आप चेंज करेंगे तो वो सब जगह के ऊपर आपको चेंज आपकी विजिबल हो जाएगी। और वैसे जनरली भी ये एक चीज़ अच्छा आइडिया है, जैसे एक MVC का कंसेप्ट है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। वो खैर हम आगे PHP में इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन एक वैसे जनरल कंसेप्ट ये है कि आपका जो डेटा है और आपका व्यू है, ब्यूटीफाई आप उसको करें, और आपका वो सेपरेट हो, डेटा और डिज़ाइन जो आपने कोड लिखा है वो सेपरेट हो, तो वो अच्छा है, उसको इंडिपेंडेंट हो गया आप काम कर सकते हैं। जैसे आप CSS पे किसी डिज़ाइनर को लगाते हैं काम पे, वो इंडिपेंडेंट हो गया दूसरे पे कर सकता है, जो दूसरा है वो HTML का स्ट्रक्चर खड़ा करता है। इस तरह आप चीज़ें कुछ कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये तकरीबन ये हम बीच में कुछ चीज़ें बता चुके हैं। बेस्ट ये है कि आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। तो CSS के भी आगे फिर हमारे पास टाइप्स हैं, इंटरनल CSS भी है, इनलाइन CSS भी है। तो यहाँ पे ये एक डेमो है, और एग्जांपल्स हम करते हैं। इसमें मुझे W3 स्कूल की अच्छी एक बात ये लगती है कि इसमें ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत अच्छी रन भी कर सकते हैं। जी, रन भी कर सकते हैं, और फिर जो लोग ये सेशन ज्वाइन करते हैं उन लोगों ने भी यही करना है, यही आप सेम साइट खोल के इसी पेज पे आके इसको व्यू कर सकते हैं। वरना यह है कि मैं अगर अपने कोड लिखूं, फिर मुझे वो कोड ऑनलाइन किधर रखना पड़ेगा या उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, अगर आप उसी एग्जांपल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं।
तो इंटरनेट मेरे ख्याल है इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। साइट ब्राउज होने में देर लगा रही है। जी अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा प्रोसेस हम जो करते हैं ना इस पेज को, जो मेरा तरीकाकार है वो, उसको स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि पहले हम, क्योंकि HTML पहले ही पढ़ चुके हैं तो उसके पार्ट को हम पहले समझते हैं, और जो ये CSS का पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक तो ये आप कहें कि टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें आप चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं तो फिर आपको समझने में आसानी होती है, वरना एक ही झटके में आप सब कुछ समझने की कोशिश करें तो मुश्किल होती है। तो ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है और इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि ये एक हेडिंग यूज़ की है हमने यहाँ पे जो कि इधर नज़र आ रही है, और नीचे ये पैराग्राफ यूज़ किया है जो कि ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो ये एग्जांपल लास्ट टाइम जो हमने सेशन रिकॉर्ड किया था उसमें भी आई थी, लेकिन खैर इसको हम दोबारा से कवर करते हैं क्योंकि अभी इसमें ओवरव्यू एक दे रहे हैं तो प्रॉपर फिर आगे ये स्टार्टिंग है इसकी। तो CSS का स्ट्रक्चर है कि आपका सेलेक्टर्स हम यूज़ करते हैं इस तरह, ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे सेलेक्टर कोई ना कोई होता है, इसको हम सेलेक्टर बोलते हैं, यानी कि ये आपके HTML के जो एरिया है वहाँ से सेलेक्ट करता है कि ये जो आगे आप कोड लिखने लगे हैं जो कि ये ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखा हुआ है वो किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये एरिया डिफाइन करता है कि किस जगह पे ये नीचे वाला ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अभी यहाँ पे ये तीन सेलेक्टर यूज़ किए हैं हमने, और ये तीनों इसको हम कहते हैं टैग सेलेक्टर बोलते हैं। तो सिंपली इन्होंने किया क्या है, जो नीचे टैग ये यूज़ हुए हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे लिख दिया है, इसी वजह से इसको टैग सेलेक्टर बोलते हैं। जैसे बॉडी का एरिया है ऊपर बॉडी लिख दिया है, और दाएं बाएं देखें कोई और करेक्टर नहीं लिखा हुआ, H1 है H1 लिख दिया है, P है P1 P लिख दिया है। तो अब ये आगे हम ये पढ़ेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस तरह काम करती हैं, लेकिन ये इसको देख के भी अंदाज़ा हो रहा है बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, लाइट ब्लू लिखा हुआ है इसको हम रेड कर देते हैं और फिर रन करते हैं इस तरह ये आ जाएगा। फिर H1 के ऊपर देखिए हमने कलर दिया उसको वाइट, तो जब भी ये अकेला कलर लिखा हुआ है तो उसका उससे मुराद टेक्स्ट कलर होता है, तो इसको हम ग्रीन लिख देते हैं। फिर यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हम दे रहे हैं इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं, अभी तो हम स्ट्रिंग में दे रहे हैं तो इसमें और तरीके भी हैं, जैसे एक RGB के ज़रिए दे सकते हैं या हेक्साडेसिमल वैल्यू की फॉर्म में भी दे सकते हैं, वो आगे हम साथ साथ पढ़ेंगे। और जैसे अब ये टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो जब H1 लिखा हुआ है तो जो भी हम नीचे प्रोसेस ये प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे वो इसी के ऊपर अप्लाई होंगी, तो ये पे इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेट कर रहे हैं H1 की, तो सेंटर में है, इसमें तीन वैल्यूज़ होती हैं, आप राइट लेफ्ट सेंटर ये कर सकते हैं। और फिर अब देखें ये कोड जो है ये हमारे CSS पैराग्राफ के ऊपर लगेगी, इसके हमने फॉन्ट फैमिली चेंज की है, और इसमें एरियल के नाम से एक फॉन्ट है वो उमूमन आपकी हेडिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और BCO फॉन्ट्स के नाम हैं आप सर्च करके जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ है यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है, तो इसको आप छोटा अगर फॉन्ट चाहिए तो आप छोटा कर सकते हैं, 50 कर देंगे तो बहुत बड़ी लिखवा आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इटैलिक करना है बोल्ड करना है वगैरह, वो हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको मिल जाता है, एग्जांपल इसको आप इस्तेमाल करें। तो ये फिर हम सीखेंगे अभी ये कि प्रॉपर्टीज़, ये सेलेक्टर्स प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, ये साथ साथ आगे हमारे ये जो सेशन है इसमें आएगी। बाकी यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए ये बनी नहीं थी और फिर बाद में हुआ कि लोगों ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए या ज़रूरत भी थी
और कोई वे था नहीं CSS की तरह। जिस तरह के फॉन्ट के नाम से टैग इस्तेमाल होते थे, अभी तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता। तो स्टाइल रिलेटेड सब आपका HTML से निकाल दिया जाता है, ताकि सिर्फ वो प्योर HTML रहे और डिज़ाइन रिलेटेड जो भी कोड है वो CSS में आ जाए। एक्सटर्नल में नॉर्मली सेव करते हैं हम, लेकिन इंटरनल इनलाइन CSS भी इस्तेमाल होती है। तो आगे हम ये सेंटिक्स को देखते हैं, और टाइम भी मेरे ख्याल है शॉर्ट है। ये हम चूँकि पहला सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इतने हमारा अच्छे तरीके से शायद नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए करें। बहरहाल अभी इधर नमाज़ का टाइम शुरू हो जाएगा, अज़ान होगी, तो फिर हम ये सेशन रिकॉर्डिंग रोक देंगे और फिर बाकी इंशाल्लाह ताला कल या बाद में करेंगे। तो जैसे वहाँ पे मैं आपका इसके सिंटेक्स बता रहा था कि उसमें पहली चीज़ सिलेक्टर होता है और दूसरी चीज़ आगे फिर आपकी वैल्यूज़ हैं। ये ब्रैकेट्स के अंदर आपकी बहुत सारी पेयर्स, आपके प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ के पेयर्स आ रहे होते हैं। जर्नल सिंटैक्स CSS का जी, सिलेक्टर, फिर आपकी ये ब्रैकेट्स के अंदर आप बहुत सारी पेयर्स ये आपके होते हैं, और पेयर के दरमियान ये आपका सेमी कॉलन इनको डिवाइड करता है, और प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान कॉलन होता है। ये जनरल स्टैटिक इसका सेंटेक्स है। तो ये फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी टाइप्स की हैं मुख्तलिफ, वो हम आगे पढ़ेंगे। सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉन्ट की हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड, तकरीबन मतलब हर लिहाज से कवर किया हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने इन प्रॉपर्टीज़ की मज़े की बात यह है ना कि जिस तरह ये अब टैग सेलेक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि पी जितने भी HTML के अंदर आएंगे ये सब के ऊपर अप्लाई हो गई। तो अभी इसमें दो पैराग्राफ के टैग्स हैं, दोनों के ऊपर हो रही है। तो उसमें हो सकता है आपके 100 लिखे हुए हों पैराग्राफ, तो यहाँ पे जो आप पी टैग सेलेक्टर के साथ जो आप प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ लिखेंगे वो इनके ऊपर ही अप्लाई होंगी। यही चीज़ ऊपर इन्होंने बयान की है कि ये प्रॉपर्टी आपकी और फिर वैल्यू, और पेयर्स आपके ये आ रहे होते हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं वैल्यूज़, और आपके ये सेमी कॉलन सिंटैक्स का पार्ट है कि ये आपने लिखना होता है। अगर एक ही आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये अच्छा टर्मिनेटर होते हैं जी, और ये प्रॉपर्टी अच्छा आपके कन्वेंशन आप हमेशा लिखें, क्योंकि इसमें ये होता है फिर आपसे गलती नहीं होती। जैसे गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, इंडिकेटर्स आपको देने चाहिए, भले गली में है, उसमें आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है। तो फिर ये होता है कि आप वैसे रूटीन में भी मुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ पहले इंडिकेटर पे जाता है, फिर आप मुड़ते हैं। तो ये आप चलिए, ये सेशन यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट टाइम फिर आगे करेंगे।